बंद करो ये हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलने का काम, ये कुकर्म बंद करो, किसी मौलाना जी को बना दो, समिया जी खतरे में हो जाएंगे। अष्टमी और नवमी में चलता है, और दारू हिंदू धर्म में ही नहीं इस्लाम में भी वर्जित है, तो दारू पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगता? जिनकी भरवागिरी कर रहे, जिनके सामने ठुमका लगा रहे, मुजरा गा रहे, उनकी सरकार में ऐसा हुआ, पहली बार ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार आई। और झुंझुना लेके आप झुंझुनाते रहिएगा, कंगना रनौत को कहिएगा आप सिक्योरिटी दीजिएगा, पद्म सम्मान दीजिएगा, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, एसपी हिंदू, लौंडा पचीसी के नाच करने वाला, पुई 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 करने वाले को, तब ओएनजीसी डूबेगा या बचेगा? देखिए, सबसे पहले बात तो नवरात्र में दंगा होने का कोई मतलब नहीं होता, और देश में दंगा कौन लोग कराते हैं? जो लोग दंगा करवाते हैं धर्म की आड़ में, जिस तरीके से रामायण में आपने देखा होगा, कालनेमी और रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर गलत कामों को अंजाम दिया, कुकर्मों को अंजाम दिया, उसी तरीके से भाजपा और आरएसएस के लोग, संघ के लोग इस घटने को अंजाम देते हैं। देश नफरत से नहीं चलेगा, और इनका जो बुलडोज़र है, ये बुलडोज़र दहशत और नफरत पर उस पर सवार है, तो बुलडोज़र चलाना ही अगर इन समझते हैं कि अच्छा है, तो अगर ये माँ का दूध पिए तो बुलडोज़र बेरोज़गारी पर चलाते, महंगाई पर चलाते, ये मासूम लोगों पर चलाना सरासर गलत है। कौन पहुंचा रहा है जो दंगा करते हैं, वो देश की संपत्ति को ही तो नुकसान पहुंचा। कौन दंगा करते भैया? अब देख लो मध्य प्रदेश, आप भी उस जज की तरह हो गए कि हंस के बोलेगा देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को तो कोई पाप नहीं है, देश बेचना गद्दारी नहीं है, जानबूझकर देश की संपत्तियों में अपने ही पार्टी के लोगों को सलाहकार समिति बनाकर उन सरकारी संस्थाओं को डुबोना क्या देशद्रोही नहीं है? आप बताओ ना, देश की अर्थव्यवस्था डुबा देना, जब आप देश में अर्थव्यवस्था नहीं माने सुदृढ़ नहीं है, तो क्या नया संसद बनाना जरूरी था? क्या 85,000 करोड़ के विशेष विमान लेना जरूरी है? क्या मशरूम खानी जरूरी है? आप बताओ ना, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो जरूरी है ना। अच्छा, आदेश के गरीब आदमी का कुछ जरूरी नहीं है? अरे सत्ता के इसी दलाली करते हो, शर्म करो थोड़ी बहुत। लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे, बच्चा जब रोता है दूध के लिए, उसकी माँ कहती है चुप हो जाओ, महंगाई बढ़ गया। अरे यही प्रधानमंत्री बोलते थे, महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है तो लोग खाएगा क्या? महंगाई का मोह नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी, वो खुद उनके वक्तव्य थे। जिन जिन बातों को प्रधानमंत्री ने कहा, आज उस बातों पर प्रधानमंत्री क्या अमल कर रहे हैं, आप बताइए। अच्छा, मध्य प्रदेश पे आते हैं वापस, जिस तरीके से अभी सरकार ने ये कहा है कि पत्थर फेंकते हुए वीडियोस जो हैं वो दिखाई गई थी, उसके बुनियाद पे हम लोग लगातार घर तोड़ रहे हैं। देखिए, पत्थर फेंकने के बुनियाद पर वीडियो थी आपने कहा, आपने वो भी देखा होगा जब वहाँ के भाजपा विधायक का सोशल मीडिया के जो पत्रकार थे दिखाया तो नंगा कर दिया, तो जो पत्रकारों के फांसी निकाले। अच्छा, हो गया, सवाल का जवाब दीजिए ना सरकार, हो गया ना, आप हो गया। अरे भाई, वही तो पूछ रहा हूँ, तो कहते हैं तो कच्चा भी खोल देते, दम घुट जाता, बेशर्म हो, सत्ता के दलालों, शर्म नहीं आती, कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग, यही काम करते हो, गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो। तो स्वागत कीजिए ना, स्वागत किया गया नवरात्र में, स्वागत कीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? दारू को बैन करने में शर्म आ रही है? नवरात्र में दारू सही है हिंदू धर्म में? अरे सुना, पहले लब 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 करते हो, पहले जब मीट बैन किया गया तब बलि प्रथा क्यों नहीं बैन करते आप? हमारे यहां नवरात्र में है किसी का हिम्मत की बलि प्रथा बंद कर देगा? मुंह में कालिक पोत दिया जाएगा, धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, और हिंदू धर्म को बदनाम करना बंद करो। आप लोगों ने हिंदू धर्म को घृणा की दृष्टि से परोसने का काम किया है। कौन लोगों ने, किन लोगों ने? आप लोगों का काम है, तो हमने क्या किया? कैसे नहीं, आप पूछो सरकार से कि मीट वर्जित अगर है तो हमारे यहाँ जो पशु बलि की प्रथा है, क्या सरकार उस पर बैन लगा देगी? अष्टमी और नवमी में चलता है, और दारू हिंदू धर्म में ही नहीं इस्लाम में भी वर्जित है, तो दारू पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगता? और यह अप्रैल आस्था का महीना है, यहाँ इस महीने में ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमें यह सिखाया है कि सभी धर्मों का पर्व एक साथ मनाने की बात, तो फिर आप कौन होते हैं भैया नफरती चिंटू? आपको भी लगता है कि राज्यसभा में जाना है का? क्या क्या वाई प्लस लेना है कि चैनल खोलना है? कंगना रनौत समझेगा,
कौन है बीपीएल का मालिक, राजीव शेखर का पार्टनर, आप ही का ना भाई यार है। ड्रग दो कह रहा था, कंटेनर भर भर के अंबानी दिया, चर्चा नहीं किए हैं आपने, 300 किलो आड़ू किस पर चर्चा नहीं की, आप चर्चा किस पर करते भैया, आपने अरविंद नेगी पर चर्चा नहीं की, डीएसपी देवेंद्र सिंह पर चर्चा नहीं की, हिंदू खतरे में है देश में, खतरे से बचाना है हिंदुओं को, हो गया आप जवाब देना। अरे पूछ, अरे पूछ रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो, आवारा कुत्तों से सीखा होता, जो रोटी खाता है तो मालिक के सामने पूछ लाता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, एसपी हिंदू, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू, उसके बाद अगर हिंदू खतरे में है तो बंद करो ये हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेलने का काम, ये कुकर्म बंद करो, किसी मौलाना जी को बना दो, समिया जी खतरे में हो जाएंगे, काहे नहीं बोलते आप। इसका मतलब आप लोग जानबूझकर हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल रहे, हिंदुओं के साथ जितने भी अत्याचार हो रहे, हिंदुओं के साथ जितने भी तरह की जो स्थितियां आज उत्पन्न हुई है, इसके लिए कौन जवाबदेह है? आपने कभी सवाल पूछा? देश में 80% हिंदू रहते हैं, 20% गैर दूसरे धर्म हिंदू रहते हैं, तो क्या मतलब कि आप आज महंगाई की जो बात है, 1000 रुपये का जो सिलेंडर है तो 80% हिंदुओं के ऊपर डाका डाला है। आज जो नींबू नज़रबट्टा लगाया जाता था, आज उस नींबू को भी मोदी जी की नज़र लग गई है, वो भी पेट्रोल डीजल से आगे भाग रहा है, गैस से आगे भाग रहा है, तो आप नहीं कह रहे कौन है खतरे में? भारत तो कई सालों तक मुगल सल्तनत के अंदर में रहा है, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर में रहा है, तब हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में नहीं हुआ। आखिर भाजपा के ये 8 साल के ही सरकार में, मोदी जी की सरकार में हिंदू खतरे में कैसे हो गया, आप हमको बताइए। वाजपेयी जी की सरकार में भी नहीं खतरे में था, आखिर क्यों? कौन लोग हैं जो हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल कर सत्ता का सुख भोग रहे, कौन लोग हैं? आप जैसे सेकुलर लोग हैं। आप जैसे सेकुलर लोग हैं। अच्छा, और आप जैसे लोग, अरे आप जैसे लोग क्या हैं भैया? निष्पक्ष पत्रकार। अरे हम जैसे सेकुलर लोग प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, कि आप जैसे जिनकी दलाली कर रहे, जिनकी भरवागिरी कर रहे, जिनके सामने ठुमका लगा रहे, मुजरा गा रहे, उनकी सरकार में ऐसा हुआ? पहली बार ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार आई जो सरकार हिंदुस्तान के, भारत के हर घरों में, हर चूल्हों पर डाका डाला, पहली बार ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार आई। विरोध करने की कितनी दलाली मिलती है आपको कांग्रेस की? भाजपा का विरोध करने के लिए कितनी दलाली मिलती है? अच्छा, हो गया। क्योंकि राजस्थान में अगर एक दलित की मूंछ रखने के कारण हत्या कर दी जाती है, वहाँ आप कुछ भी नहीं बोलते। अरे माँ का दूध पिए हो बेशर्मो, कि कांग्रेस पर ही चले जाते हो, उसी कांग्रेस के बीजेपी में सारे नेता हैं, वो क्या आपका रिश्तेदार लगता है कि सवाल नहीं पूछते हो? भाजपा में अगर कांग्रेस और गैर, अगर दूसरे दल के नेता अगर आप खोजेंगे तो 99% नेता दूसरे दलों के आए हुए हैं। आपको पता है कौन है आरपीएन सिंह, कौन है ज्योतिराज सिंधिया, कौन है सतपाल जी महाराज, कौन है अन्नपूर्णा देवी? अरे आपकी भी जवाबदेही है, आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, ऐसा नहीं कि भाजपा के अनुभक्तों की तरह गोबर को चवनप्राश समझ के खा रहे हो, दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है, सवाल नहीं पूछो। अरे सुन तो लो बेवकूफी वाले, एक बात बताओ, राष्ट्रीय जोकर गोबर पात्रा, फर्जी डॉक्टर, जिसके साथ 12 हिंदू राव में क्या हुआ महिला के साथ, वो आपको भी पता है, उसको ITDC में चेयरमैन किस योग्यता पर बनाया गया? खाली पुई 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 ये नचनिया का, लौंडा पचीसी का नाच नाचने का है? सवाल उससे नहीं पूछोगे? तो एक बात बताओ, ONGC में जब स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाएगा लौंडा पचीसी के नाच करने वाला, पुई 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 करने वाला को, तब ONGC डूबेगा या बचेगा? आप बताओ ना, जब रजत शर्मा जैसे को सलाहकार समिति में सदस्य बनाया जाएगा, Y+ सुरक्षा दी जाएगी, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, होम देश की गरीब जनता टैक्स देंगे, और झुंझुना लेके आप झुंझुनाते रहिएगा, कंगना रनावत को कहिएगा आप सिक्योरिटी दीजिएगा, पद्म सम्मान दीजिएगा, विनोद राय जैसे कुकर्मी लोगों को दीजिएगा, अन्ना हजारे जैसे लोगों को दीजिएगा, तो देश का क्या हाल होगा बताइए आप? आप वो सवाल नहीं पूछते? नहीं, लोग कह रहे हैं छठी रात का दूध लिया जाएगा, पतलून की ली हो जाएगी, सारी पत्रकारिता भूल जाओगे, दलाली भूल जाओ। तभी तो नोएडा में News18 के पत्रकार के साथ क्या हुआ? वो भी तो ब्राह्मण था। अरे आप सीधी जिला में ब्राह्मण पत्रकार ही था। अरे बेशर्मो शर्म करो, वो भी हिंदू था। अगर अरे सुन लो, अरे सुन तो लो, रोपोगे, अरे सुनो ना, अरे सुन नहीं रहे, बबूल का पेड़ रोपोगे उसमें आम नहीं फलेगा, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से खाए? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।